हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मेघा एंड दीपिकास ब्लॉग। तो हम आज आए हैं, आज हम लोग आए हैं अमृत उद्यान, जिसका पहले नाम हुआ करता था मुगल गार्डन। तो हम आज आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाने वाले हैं। और इसकी लोकेशन की बात करें तो ये है नॉर्थ एवेन्यू रोड पर, और हम 35 गेट नंबर से एंट्री लेने वाले हैं, और जिसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है सेंट्रल सेक्रेटरीट का पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग अंदर चलते हैं। बट आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हम दिल्ली एनसीआर के प्लेसेस को एक्सप्लोर करते रहते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और आज एक्सप्लोर करते हैं अमृत उद्यान को। फ्रेंड्स, ये है यहाँ पर अमृत उद्यान की एंट्रेंस, सामने आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइमिंग क्या है, 10 AM to 5 PM। वैसे तो ये साल में एक ही बार ओपन होता था, बट इस बार ही सेकंड टाइम हुआ है। और जो लास्ट एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हैं वो है 4 PM की, उसके बाद एंट्री नहीं होगी। और फ्रेंड्स, ये उद्यान उत्सव सेकंड जो है 16 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक चलने वाला है। टाइमिंग से आप देख सकते हैं, और इसकी जो एंट्री है वो बिल्कुल फ्री है, और इसकी आप बुकिंग ऑनलाइन भी करा सकते हैं और ऑफलाइन भी, कियोस्क की मशीन से वहाँ पर आप करा सकते हैं जाकर। और ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या अलाउड है, क्या क्या नहीं है। फॉलोइंग आइटम्स आर अलाउड, मोबाइल फोन्स, वॉलेट्स, पर्स, हैंड बैग, ये सब आप अलाउड है, आप ले जा सकते हैं। और जो अलाउड नहीं है, ईटेबल्स, ये सब चीज़ें, आप सिगरेट वगैरह अंदर अलाउड नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बैग सबमिट हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हमने एंट्री ले ली है। सो फ्रेंड्स, चेकिंग वगैरह काफ़ी स्ट्रिक्टली है, तो जो जो चीज़ें यहाँ पर अलाउड नहीं है वो ना ही लेकर आए तो बेटर है। वाटर बॉटल आप लेकर जा सकते हैं, अम्ब्रेला लेकर जा सकते हैं, और जो वॉलेट्स वगैरह हैं वो भी लेकर जा सकते हैं, बट बड़े पैक पैक वगैरह अलाउड नहीं है यहाँ पर। फ्रेंड्स, यहीं से शुरू हो गया है, देखो फ्लावर्स वगैरह सुंदर सुंदर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैप लगा हुआ है, विजिटर मैप, तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कहाँ पर आपको क्या मिलेगा। पॉइंट्स ऑफ अट्रैक्शन भी हैं यहाँ पर। मजा आ रहा है बहुत मजा आ रहा है ना। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग आए हैं बाल वाटिका की तरफ। तो देखिए, ये सब चीजें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, नेचर्स क्लासरूम, बबलिंग ब्रुक। तो चलिए अब हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक सेल्फी बूथ भी मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप सेल्फी क्लिक करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये एक कार्ट टाइप भी मिल जाएगी, इस पर भी बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर आपको बच्चों के लिए कुछ झूले भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अब अमृत उद्यान में बच्चों के लिए झूले भी लगा दिए गए हैं। सीसो मिल जाएगा, स्लाइड मिल जाएगी, स्विंग मिल जाएगा, तो काफ़ी सारे झूले आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक ट्री हाउस भी मिल जाएगा, देखिए काफी सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल है,
आर्टिफिशियल वाटरफॉल है यहाँ पर, इसका वाटर जा रहा है। ये देखिए हमारे दो बच्चे झूलो, ये चल ही नहीं रहा, चलाना पड़ता है इसको खुद ही। हाँ एक जना चलाएगा, चलाओ, अटक गया है। अच्छा सो फ्रेंड्स यहाँ पर बच्चे काफी एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स अब हमने एंट्री ले लिया हर्बल उद्यान यानी कि हर्बल गार्डन में। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, हर्बल गार्डन। अगर आप जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किस चीज के प्लांट्स हैं, जो भी आप इसको स्कैन करेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ऐसे जगह जगह पर, हर जगह पर स्कैनर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर है राष्ट्रपति भवन, म्यूजिकल गार्डन और पीछे हमें फाउंटेन दिख रहे हैं। तो चलिए क्लोज चलकर देखते हैं।
अमृत उद्यान में फूड कोर्ट भी मिल जाएगा, तो खाने पीने की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं किस टाइप का फूड कोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। फूड कोर्ट में आपको सैंडविच, बर्गर वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। ये यहाँ का मेन्यू और प्राइस भी आप देख सकते हैं, और क्या क्या आपको यहाँ पर मिल जाएगा खाने को वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर आइसक्रीम भी मिल जाएगी, और यहाँ पर लगे हुए फ्लेवर बटर स्कॉच, चॉकलेट, वनीला एंड स्ट्रॉबेरी। सो फ्रेंड्स, हमने आपको दिखा दिया है अमृत उद्यान। सो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। एक छोटा सा फीडबैक है, अगर आप आ रहे हैं तो थोड़ा सा देख कर आएँ कि थोड़ी सी इवनिंग की टाइमिंग में आए, या जिस दिन मौसम थोड़ा अच्छा हो तब आए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो घूमने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई लोकेशन के साथ। सो बाय फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।